की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो आटा और एक प्याज छोटा छोटा कट कर लिया। दो से तीन हरी मिर्च हमने छोटी छोटी कट कर ली है। एक इंच अदरक का टुकड़ा, उसको कद्दूकस कर लिया, घिस लिया है। ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये रेड चिल्ली पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। अब हम पहले पराठों के लिए डो लगाते हैं। डो में हम ये थोड़ा सा ये सादा नमक डालेंगे, जो बिल्कुल सादा, थोड़ी सी हींग डालेंगे और ये अजवाइन जो है हम ऐसे कस के रगड़ते हुए प्रेस करके दोनों हथेलियों के बीच में, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दरदरा सा हो जाता है। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और कलर के लिए थोड़ा सा एक इंच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, अब हम डो लगाते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये एक गिलास पानी लिया है, ये हमारा आधा किलो आटा है। इसका हम सॉफ्ट डो लगाएंगे, ना बहुत अधिक कड़ा लगाएंगे, मीडियम आटा, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं। इसको हमें डो लगाने में कम से कम डेढ़ गिलास पानी लग जाएगा, क्योंकि गेहूं का आटा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसको हम मुलायम आटा गूंथ लेंगे। इसको हमें लगाने में एक गिलास पानी और आधा गिलास ये पानी, मैंने डेढ़ गिलास कहा था, ये डेढ़ गिलास ही पानी लगा है, एक दो चम्मच बाद में और लगेगा। अब आटा को हम 10 मिनट के लिए, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं, आटे को हम साइड में करते हैं। इसको ढक के रख देंगे। अब हम स्टफिंग के लिए, ये हमारे आधा किलो आलू हैं, इनको हमने छील लिया है। अब इनसे हम हाथ से स्टफिंग बनाएंगे। स्पून से भी बना सकते, चम्मच मैसर से भी हम हाथ से ही बनाएंगे। ये हमारे आलू छोटे हैं तो हमने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं, अगर आपके बड़े आलू हैं तो 4 से 5 आलूओं में अच्छे से
10-12 पराठे बन जाएंगे। अब इसमें हम मसाले मिलाते हैं। कट किया हुआ हम प्याज डाल देते हैं। प्याज से जो है पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमने एक प्याज छोटा छोटा कट कर लिया था, इसको हमने डाल दिया। प्याज से पराठे में स्वाद बहुत अच्छा इसमें आता है। हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालिए, हमारे बच्चों को तीखा पसंद है। अदरक 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया। धनिया पाउडर डाल देंगे 1.5 चम्मच। गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, आधे चम्मच थोड़ा। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए लाल मिर्च थोड़ी कम ही यूज करेंगे। आप अपने हिसाब से यूज करिए जितना तीखा खाना पसंद। काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, इसमें भी कड़ू, काली मिर्च भी कड़ू होती है, इसी के अकॉर्डिंग करिए। ये जीरा पाउडर थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 चम्मच, ये अमचूर पाउडर। हरी धनिया हम इसी में कट कर लेंगे। छोटा हरी धनिया भी कट कर लेंगे इसी में। अब हम सभी मसालों को हाथ से मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालिए। ये नमक हमने अलग से बनाया है, इसमें जीरा वगैरह हींग सब मिक्स करके थोड़ा सा ये डालेंगे। इसमें हमने काला नमक भी मिक्स कर दिया है, अगर अलग से डालें तो इसमें काला नमक भी बहुत अच्छा लगेगा उसका स्वाद। 1/2 चम्मच काला नमक, उसी के अनुसार नमक डालिए। स्टफिंग बनके ये मेरी रेडी है। अब हम पराठे बनाएंगे। नमक हमने इसलिए थोड़ा कम लिया कि मैंने नमक उसमें आटे में भी डाला है थोड़ा। अब आटे को हम फिर से मुलायम करेंगे। ये मेरा देखो आटा थोड़ा सख्त हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी, कम से कम 2 चम्मच पानी और लगेगा। आटा को हम मुलायम कर लेंगे अच्छे से। आलू के पराठे सबको बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में, गरम गरम बनाइए। इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी पराठा बनेंगे। थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच ले लेंगे, इससे आटा मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको हमें कस के मलना पड़ेगा। अब गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा मेरा गर्म हो रहा है। तब तक हम ये
पराठे के लिए लोइयां, ये पेड़े के आकार की लोइयां, हम छोटी बड़ी आपको जैसी पसंद है ये हम बना लेंगे। हम थोड़ा बड़ी लोइयां लेंगे क्योंकि इसमें स्टफिंग अच्छी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये 4 से 5 लोइयां हम बना लिए मैंने, अब इनको हम तैयार करेंगे। इनको हम ऐसे पेड़े जैसा बनाने के बाद में इनको अंदर से हम ऐसे थोड़ा सा आटे की लोई को हम ऐसे गहरा कटोरी जैसा बना लेंगे। अब हम इसके अंदर इसको नीचे से मोटा ही रखना है। इसके अंदर हम अब स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग इसमें थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती पराठों में, तभी इनका स्वाद अच्छा आता है। बस इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, हम इनको ऐसे करके और इसको ऐसे बस चुन्नट जैसे देखे, ये देखिए ऐसे इजीली फोल्ड कर, कहीं से फटेंगे नहीं। ये बस ऐसे चकले पे इनको गोल गोल करके बस ऐसे हाथ से हम पेड़े जैसा बना के बस अब इसको हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको हाथ से ही ऐसे थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये अब इसको हम बेलन से बेलेंगे, ऐसे आराम से बेल जाएंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। आप इनको वैसे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, आप पतले भी कर सकते हैं। हमने ना ज़्यादा मोटा रखा है ना, बिल्कुल इसमें आटा इसका पर्याप्त लगा होगा तो कभी नहीं फटेंगे। ये देखिए कहीं से नहीं फटा, ये हमारा पराठा बनके। अब इसको हम तवे पे डाल के सेक लेंगे। ऐसे दूसरी लोई उठा लेंगे, इसको हम ऐसे कटोरी जैसा गहरा कर लेंगे। ठीक, ऐसे हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। ऐसे हम दूसरा पराठा तैयार कर, ऐसे ही हम सारी लोइयां भर के स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। अच्छे से किनारों से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको अभी हम थोड़ी देर फुल फ्लेम पे पकाएंगे। पलट देंगे ऐसे, देखो चित्तियाँ आने लगी। अब इसको हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, ये धीमी आंच में बहुत अच्छा पकेगा। अब हम दूसरा, जब तक मेरा पराठा पक रहा है हम दूसरा पराठा बना के तैयार कर लेते हैं।
ये हमारा दूसरा भी पराठा तैयार है। मैंने स्लो फ्लेम पे किया गैस, तो मेरा पराठा फूल गया आराम से। इसको पहले हाई फ्लेम पे पकाइए, एक बार पलटने के बाद स्लो फ्लेम पे। ये कितना अच्छा मेरा पराठा बनके तैयार है। अब हम ऐसे ही दूसरा पराठा डाल देंगे, इसको भी हाई फ्लेम पे। तब तक हम इधर एक लोई में स्टफिंग भरते हैं। इसको हम पलटा देंगे। इसको जब हल्का ही हम सेकेंगे, सेकने के बाद इसमें हम ऑयल लगा देंगे। ऐसे हम तेल लगा देंगे, हल्का सा तेल किनारे से डाल देंगे। इसको हम एक मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे। एक मिनट बाद इसको हम पलटा देंगे। ये देखो इधर चिपकी सी आ गई है। अब हम इधर से भी ऑयल लगा देंगे। तब हम तीसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम अब हम इसको गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे। तब तक मैं पराठे को बेल के सूखा आटा लगा के तैयार कर लेंगे। ऐसे हाथ से बढ़ा के, हाथ से बढ़ा के बस इजीली बेल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, फटेंगे नहीं बिल्कुल, आलू के पराठे नहीं फटेंगे। आलू केवल ठंडी होना चाहिए। जब हम मसाले नमक मिलाएं तो आलू बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। गर्म आलू में अगर हम नमक मिला देंगे तो तुरंत आलू हमारे फिर वो पराठे में पानी से हो जाएंगे, तो पराठे बनेंगे नहीं, बेलने में हम नहीं बेल पाएंगे उसको। इसलिए आलू बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम हम तेज करके तुरंत पराठे को दोनों तरफ से करारा होने तक सेक लेंगे। बढ़िया सी ये चिट्टियाँ आ गई हैं पराठे में। ये पूरा पराठा हमारा अच्छे से पक गया। ये एक से दो मिनट एक पराठा पकाने में लग जाता है। धीमी आंच पे पकाया जाता है, दो मिनट तक एक पराठा पकाने में लग जाएगा। ये मेरा पराठा बन तैयार। अब ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। अब ऐसे ही हम सारे पराठे बना लेंगे। ये मेरे सारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। ये दही के साथ, हरी चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।